सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, मैं हूं नजरुल रजा और आप देख रहे हैं आपका अपना एक चैनल नेशनल एक्टिटेक। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा हमारे और आपके शरीर में ब्लड की क्या महत्व है, यानी कि दोस्तों हमारे और आपके शरीर में ब्लड की काफ़ी ज़्यादा महत्व दी जाती है। अगर दोस्तों हमारे शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है तो हमारे और आपके शरीर में दोस्तों तरह तरह की बीमारी उत्पन्न होने लगती है। और दोस्तों हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड की कमी हो जाती है तो दोस्तों काफ़ी लोगों की यहाँ पे डेथ भी हो जाती है, यानी कि काफ़ी लोग मर भी जाते हैं। तो सेम इसी तरह फ्रेंड्स, हमारे इस बैरिंग के अंदर यहाँ पे ग्रीस की महत्व दी जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए हमारे इस बैरिंग के अंदर ग्रीस सूख जाती है या दोस्तों हम ग्रीस नहीं डालते हैं तो हमारी इस बैरिंग की लाइफ दोस्तों जितना होना चाहिए उतना हमारे यहाँ पे नहीं हो पाएगी। इस बैरिंग के अंदर दोस्तों ग्रीसिंग करना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पर हमें इस बैरिंग के अंदर कौन सा ग्रीस डालना चाहिए, यानी कि कौन सा हमारी अच्छी क्वालिटी की ग्रीस होती है और मैं कौन सा ग्रीस यूज करता हूँ इस बैरिंग के अंदर डालने के लिए, इस वीडियो में आप लोगों को मैं यही बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी की बैरिंग के अंदर ग्रीस नहीं डालेंगे, हमारी यहाँ पे बैरिंग की लाइफ कम होगी, यानी कि हम पंखा यहाँ पे चलती है ये हमारी हीट होती है, मोटर हमारी हीट होती है तो हमारी यहाँ पे ग्रीस दोस्तों यहाँ पे सूखने की ज्यादा चांसेस रहती है। बैरिंग के अंदर हमारी ग्रीस सूखेगी दोस्तों तो हमारी यहाँ पे बैरिंग यहाँ पे जाम होने लगेगी, हमारी बैरिंग के अंदर से आवाज भी आने लगती है। तो दोस्तों इस वीडियो में आप लोगों को मैं एक ऐसा ग्रीस बताने वाला हूँ जो दोस्तों मैं करीब जो है 2 सालों से यूज कर रहा हूँ, काफी यहाँ पे बेहतर रिस्पॉन्स दे रही है। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि इसी तरह की और भी लेटेस्ट आने वाली जो भी हमारी वीडियो होगी आप लोग को जल्द देखने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप जो बैरिंग देख रहे हो दोस्तों ये हमारी SCH कंपनी की बैरिंग है और देखिए यहाँ पे इस बैरिंग के अंदर हम कंपनी की तरफ से यहाँ पे ग्रीस डाली रहती है, बट यहाँ पे जितना ग्रीस डालना चाहिए उतना नहीं रहती है, यानी कि हल्का से यहाँ पे कंपनी जो ग्रीस डाल के भेज देते हैं। बट यहाँ पे दोस्तों हमें जो है बैरिंग को मोटर के अंदर पंखे के अंदर फिट करने से पहले हमें यहाँ पे जो थोड़ा सा ग्रीस भी डालना पड़ता है ताकि दोस्तों हमारे यहाँ पे बैरिंग की लाइफ जो है काफ़ी ज़्यादा हो। तो दोस्तों मार्केट में आपको जो है ग्रीस है काफ़ी तरह की मिलती है, यानी कि हर तरह की आपको जो है कम से कम रेट में अच्छी से अच्छी रेट में आपको जो है ग्रीस देखने को मिल जाएगी, यानी जिस तरह की आप यहाँ पे जो है पैसा फंसाओगे उस टाइप की आपको यहाँ पे जो है ग्रीस मिलने वाली है। उसी में दोस्तों आपको यहाँ पे जो है बेस्ट क्वालिटी की भी रहती है और यहाँ पर नॉर्मल भी रहती है। अभी दोस्तों आपको मैं बताता हूँ कि यहाँ पर मैं कौन सा ग्रीस यूज़ करता हूँ और यहाँ पर कितना यहाँ पर इसकी लैप होती है। देखिए तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो जो मैं यहाँ पर ग्रीस यूज़ करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये हमारी कुछ इस टाइप की है और यहाँ पर अगर इसकी कंपनी की बात की जाए KFL लुब्लिकेंट्स के नाम से दोस्तों ये हमारी जो ग्रीस है। और दोस्तों इस डब्बे की जो हमारी वेट है दोस्तों, यानी कि ये जो हमारी ग्रीस है ये हमारी 500 ग्राम वाली है, आप देख सकते हो। यहाँ पे इस ग्रीस के अंदर हम देख लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ये ग्रीस हमारी कुछ इस तरह की दिखती है, यानी कि रेड कलर में हमें यहाँ पे जो ग्रीस देखने को मिलती है। तो इस ग्रीस को मैं यहाँ पे लेता हूँ और देखिए दोस्तों यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त है आप देख सकते हो, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे स्मूथ है और यहाँ पे जो है लस्सापन हमारे यहाँ पे जो ज़्यादा नहीं है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों मैं मोटर पंखे के अंदर जो करीब 2 सालों से यही ग्रीस को इस्तेमाल करता हूँ, काफ़ी यहाँ पे ये बेहतर ग्रीस है और यहाँ पे काफ़ी अच्छी यहाँ पे जो चलती है, यानी कि मान लीजिए आप जो इस ग्रीस को एक बार यहाँ पे बैरिंग के अंदर डालते हो, 1 साल या 2 साल के बाद भी यहाँ पे जो इस बैरिंग को ओपन करोगे तो यहाँ पे ये हमारी ग्रीस जो सेम उसी तरह रहती है, यानी कि रेड की रेड ही रहती है, यहाँ पे काला वगैरह नहीं होती है। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और होती है कि हमारी जब बैरिंग यहाँ पे चलती है तो हमारे यहाँ पे जो है बैरिंग में लस्सापन बनती है और यहाँ पे बैरिंग जाम होने की ज़्यादा चांसेस रहती है, यानी कि मोटर हमारी जब हीट होती है तो हमारे यहाँ पे बैरिंग यहाँ पे सूखने की ज़्यादा चांसेस रहती है। बट यहाँ पे इस ग्रीस के अंदर दोस्तों वो चीज़ नहीं है, यानी कि हमने यहाँ पे देखा दोस्तों इस ग्रीस को मैं डालता हूँ तो करीब यहाँ पे जो है काफ़ी दिन के बाद भी मैं देखता हूँ दोस्तों ये ग्रीस हमारी जो सेम उसी तरह रहती है और यहाँ पे जो है चिपचिपा रहती है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो टाइट नहीं होती है। तो इस ग्रीस के अंदर दोस्तों हमारी ये खासियत है, यानी कि मैं फ्रेंड्स आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि ये ग्रीस ही सबसे बेस्ट है, यानी जितना आप यहाँ पे जो है रेंज फंसाओगे उस हिसाब से दोस्तों आपको यहाँ पे जो काफ़ी बेहतर यहाँ पे ग्रीस देखने को मिलेगी। यहाँ पे देखिए इस डब्बे की कीमत यहाँ पे दी गई दोस्तों 300 रुपया, बट यहाँ पे 270 रुपया हमसे यहाँ पे जो है लिया गया। तो यहाँ पे कम ज़्यादा यहाँ पे जो है रेट अलग अलग जगह हो सकती है, तो इसके लिए कोई बात नहीं है। तो काफ़ी भाई यहाँ पे कमेंट करते हैं कि सर आप यहाँ पे जो है बैरिंग के अंदर कौन सा ग्रीस इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो मैं यूज़ करता हूँ आपको मैं वही बताता हूँ और दोस्तों बिल्कुल सही बताता हूँ, क्योंकि दोस्तों झूठ मूठ के किसी भी सामान को यहाँ पर जो है प्रमोशन करना सही बात नहीं, यानी कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, बस यहाँ पर हम जो है सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था तो मैं ये वीडियो बना दिया हूँ। तो दोस्तों ये जो ग्रीस है ये काफ़ी बेहतर है, यानी कि काफ़ी अच्छी है और काफ़ी यहाँ पे अच्छी रिस्पॉन्स देती है। आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सी कंपनी के हैं, अगर आप इसे खरीदना चाहते हो तो मार्केट में आप ट्राई कर लेना, इससे भी बेहतर यहाँ पे जो आपको ग्रीस देखने को मिल जाएगी मार्केट में, वो दोस्तों आपके जो प्राइस पे डिपेंड करता है, बट मेरे लिए फ्रेंड्स ये ग्रीस जो है बेस्ट है। ऐसे आप लोग बताना हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कौन सी कंपनी की ग्रीस यूज करते हो। देखिए ग्रीसिंग करने का तरीका दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, काफ़ी भाई यहाँ पे जो ग्रीस किस तरह से लगाते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो इस तरह से लगा देते हैं हल्की हल्की सी हो गई, तो इस तरह से आपको जो ग्रीसिंग नहीं करनी। देखिए यहाँ पे आपको जो ग्रीस लेनी है कुछ इस तरह के, और ग्रीस लेने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरह से डाल दीजिए,
इस तरह से डालने के बाद आपको क्या करनी है, कुछ इस तरह से यहाँ पे जो चाँप चाँप की यानी कि ग्रीस को यहाँ पे जो है दाब दाब के आपको जो है ग्रीस को बेरिंग के अंदर डालने, यानी कि हमारे अंदर तक यहाँ पे ये ग्रीस चल जाए, इस तरह से आपको यहाँ पे लगानी है। काफ़ी बार तो यहाँ पे ऊपर से हल्का सा यहाँ पे लगा देते हैं, जिस तरह से लड़की लोग यहाँ पे लिपस्टिक लगाते हैं या दोस्तों फेयर लवली लगाते हैं, उस तरह से यहाँ पे जो ऊपर से ओस देते हैं, ऐसा आपको जो है नहीं करनी है। जब भी दोस्तों आप जो है ग्रीसिंग करते हो बेरिंग के अंदर, तो यहाँ पे अच्छी तरह से आप यहाँ पे ग्रीस डालो यानी कि दाब दाब के इस तरह से, ताकि हमारे यहाँ पे जो बेरिंग के अंदर अच्छी तरह से यहाँ पे जो ग्रीस पहुँच पाए और हमारी बेरिंग की लाइफ दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से ये हमारी जो ग्रीस हो चुकी है, चलिए इसे मैं कवर कर देता हूँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये छोटा सा जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी, और दोस्तों आप लोग भी इस ग्रीस को एक बार इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए और हमें जो है रिस्पॉन्स बताइए कैसा आपको जो है रिस्पॉन्स मिल रही है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई वीडियो और किसी नई फोल्ड के साथ। तब तक के लिए अलविदा और टेक केयर, बाय बाय।